पति पत्नी में नहीं बन पा रहा है सामंजस्य। सामंजस्य था तभी तो विवाह हुआ, तभी तो आप पति और पत्नी हुए। अब नहीं बन पा रहा सामंजस्य, अर्थात कहीं तो कुछ बिगड़ रहा है। लव पार्टनर था आपके प्यार में पागल, अब शादी की योजनाएं बनाई आप लोगों ने, अपने अपने परिवार को हिम्मत करके बता दिया, ईश्वर की कृपा से दोनों के परिवार की रजामंदी हो गई और अब आपका पार्टनर डगमगा रहा है, डगमगा रही है उसकी बातें, नहीं लग रहा कि अब विश्वास जीत पाएंगे आप उसका। आज जो उपाय बता रही हूँ, लव पार्टनर बाद में प्रथम पति यदि आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है, पत्नी आपके विश्वास से बाहर हो रही है, अब आपको लग रहा है कि मेरी ये शादी पे खतरा हो जाएगा, क्या हो गया, कुंडली का कौन सा ग्रह बिगड़ गया, तब करें एक छोटा सा अद्भुत उपाय। 20 मिनट केवल और केवल 20 मिनट में अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करता है ये उपाय। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं, कुछ ना आप कहे तो आपकी चुप्पी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। जुड़ते जा रहे हैं मुझसे लोग, मेरा YouTube परिवार 3 लाख के करीब होते जा रहा है, बड़ी खुशी मिलती है जब कितने टूटे दिल जुड़ जाते हैं, कितने सारे थैंक्स मुझे आते हैं, कितने ईमेल आते हैं, दीदी बचा लिया आपने मेरा घर, बड़ा आनंद आता है। मैंने नहीं बचाया, ऊपर परमात्मा बैठे हैं, मैं एक छोटा सा माध्यम हूँ, मेरा चैनल एक छोटा सा माध्यम है। प्रथम बात कहती हूँ, जब मेरा उपाय करें तो किसी अन्य का उपाय ना करें, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। मेरे अलावा कोई कुछ नहीं जानते हैं, जो लोग YouTube पे बता रहे हैं सब झूठ बता रहे हैं, ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, अनेक विद्वान है दुनिया में, कई लोग ऐसे हैं, मेरे खुद के भी गुरु हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, मैं तो क्षण मात्र मैं एक कण हूँ इस सृष्टि में, कुछ नहीं जानती मैं, प्रयास कर रही हूँ दिल जुड़ने का। परंतु जब मेरा उपाय आप कर रहे हो, उसी समय साथ साथ में किसी भी अन्य का उपाय ना करें, फिर कार्य नहीं करेगा, ना उनका ही करेगा ना मेरा ही करेगा, कोई भी एक उपाय करें। पति अब अविश्वास जता रहा है आप पर, आप अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, आपको कुछ पर्सनल बातें करनी थी, आप छत चली गई और जब बात फोन करके आ रही है तो ऐसे शक वाली नजर से आपको देख रहा है, किसका फोन था कि तुम्हें छत जाना पड़ा। लीजिए हिल गया आपका रिश्ता, विश्वास की ऐसी की तैसी हो गई। अब आप सफाई दी, मेरी माँ का था विश्वास ना हो तो देख लीजिए मेरा फोन, समझिए वो विश्वास तो हिल गया, फिर फोन कॉल देखना और चेक करने की बारी आ ही गई। आधी रात को आपका मन नहीं लग रहा था, आप उठकर बालकनी में खड़े थे, सुबह पूछा जाना सवाल, आधी रात को तुम कहाँ गई थी, मेरी आंख खुली तुम बिस्तर पर नहीं थी, किसी से फोन पर बात कर रही थी क्या, छत पर तो नहीं गई थी, मतलब फिर विश्वास हिल गया। फिर सफाई दीजिए, नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं यहाँ वहां, प्यार कमजोर पड़ रहा है। आप बाजार जाती है, सवाल पूछे जाते हैं, आधा घंटा का काम था 45 मिनट कैसे लग गए, कहाँ गई थी। अब खाना बना रही है, क्या बात है आजकल मन नहीं लग रहा तुम्हारा खाना बनाने में, दिमाग कहाँ है, मन कहाँ लगा बैठी हो, मतलब आपका प्यार जो भरोसा से जुड़ा हुआ था, जिस विश्वास के धागे से मजबूती से बंधा हुआ था, आंख बंद करके आपका पार्टनर आपसे प्यार करता था, आप पर विश्वास करता था, अब हिल रहा है वो विश्वास, नहीं जम पा रही है वो बात नहीं बन पा रही। तब ऐसी अवस्था में आज जो उपाय बता रही हूँ, आज जो वशीकरण बता रही हूँ मेरी बहनों वो करे, और यदि मेरे भाइयों आपको भी ये समस्या हो रही है, बार बार सब कर रही है, बार बार सवाल पूछ रही है, आपके मोबाइल का लॉक खोलकर उसे बार बार देखने की कोशिश कर रही है, ढूंढ रही है, जबरदस्ती कसक डाल रही है आपके रिश्ते में, झगड़े कर रही है, किसी का नाम लेकर सता रही है आपको, तो आप भी करें यह उपाय। थोड़ा सा कठिन होगा पुरुषों के लिए, क्योंकि ये उपाय ज्यादा करके जोड़ता है महिलाओं से। गरम गरम रोटी बनानी है आपको, पति को परोसती है ना प्यार से, इस वशीकरण में भी गरम अच्छी 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 रोटियां बनानी है।
शहद ले लेना है। शहद जो शहद हो, घर में हो या उसके अलावा शहद हो, बाजार का शहद हो, जो शहद हो, कोई शर्त नहीं, कुछ ना करें आप। एक रोटी गरम ताजी बनाकर रखे प्लेट पर, शहद में ऐसे उंगली डालें और पति का नाम साफ साफ शब्दों में लिख दें उस रोटी पर। लिखा आपने, रोटी को ऐसे फोल्ड कर दिया आपने। ध्यान रहे यह रोटी पति खा ना ले, लेकिन इस रोटी को आपको पति की थाली में परोसना भी है, अर्थात भोजन करने के बाद यह रोटी थाली पर बची रह जाए और पति का जूठा भी हो। अब ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई कि आपने जो रोटी दी कहीं पति उसे खा ना ले, तो आप एक काम कीजिए, पति आपके चार रोटियां खाते हैं तो चार अलग से रोटियां दीजिए और इस रोटी को सबसे नीचे दे दीजिए, इसमें कोई मार्क लगा दीजिए, इसे आप दो फोल्ड कर दीजिए, बाकी रोटियां खुली रहने दे, और कह दे अपनी जुबान से जब अंत होने लगे रोटी का आप नई रोटी लेकर जाए, अपनी चतुराई का प्रयोग करें और कह दें कि जो सबसे नीचे ठंडी रोटी उसे छोड़ दीजिए, आप ये खाइए, उसे रहने दीजिए, मैं खा लूंगी। ऐसा कहकर आपको वो शहद से नाम लिखी हुई रोटी को पति को खाने ना दे, पर उनकी थाली में अवश्य परोसे, सारी रोटियों के नीचे रख दे और इतना ज्यादा रोटी दे दे कि हर हाल में आपका पति आज छोड़ ही दे उसे। एक ही बार तो करना है, थोड़ी सी चतुराई का इस्तेमाल यदि हम सुख पाने के लिए करें, कुछ अच्छा करने के लिए करें, तो कोई बुरी बात नहीं है। बड़ा अच्छा, बड़ा अद्भुत वशीकरण है और बड़ा जल्दी कार्य करता है। मैंने कहा ना, 20 मिनट आधे घंटे में ये कार्य प्रारंभ कर देता है। रोटी जो होता है वो मंगल होता है, शहद जो होता है वो शुक्र होता है। जब हमारी कुंडली में मंगल और शुक्र बिगड़ते हैं, ये सारी झंझटें दाम्पत्य जीवन में प्रारंभ हो जाती है, हमारे विश्वास के बाहर हमारा पति होने लगता है। ये शहद से नाम लिखा रोटी आपने परोसा, पति को खाना नहीं है और हाल में छोड़ना, आप लगी रहे उस वक्त खड़े रहे देखने के लिए, गलती से भी पति उस रोटी को खा ना ले, वरना होगा कुछ नहीं, बस ये वशीकरण नहीं होगा, ये उपाय कार्य नहीं करेगा। 5 रोटी खाते हैं पति, आपने 8 रोटियां आज परोस देनी है, कहना छोड़ दीजिएगा मैं खा लूंगी, पर वो नीचे वाले रोटी छूट जाए। पति जब खा कर उठे, उसे प्लेट में आपको और भोजन ले लेना है, आप खाने के लिए बैठ जाइए, थाली ना उठाए, और वो शहद से जो पति का नाम आपने लिखा है वो रोटी आप खाए। और जब मेरे भाई हो, आप कर रहे हो ये उपाय, तो रोटी पर पत्नी का नाम लिखा जाएगा। जरूरी नहीं आपने रोटी बनाई हो, आपकी माँ भी रोटी बनाए तो चलेगा, आपने सिर्फ नाम लिखा, पत्नी को परोसी और वो रोटी छोड़ता हुआ देखिए, और वो रोटी आप खाएंगे, पत्नी का नाम लिखा वो रोटी। अब आप कहेंगे, दीदी मैं पत्नी का जूठा कैसे खाऊंगा, इन सब चीजों से निकल जाइए। पति का जूठा पत्नी खाती है तो प्रेम बढ़ता है, तो पत्नी का जूठा पति खाए तो प्रेम घट कैसे जाएगा, तब भी बढ़ेगा प्रेम। कोई जूठा नहीं होता, इस रिश्ते में जूठा कुछ होता ही नहीं है, ये रिश्ता अद्भुत है। संसार का सबसे मजबूत रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, लेकिन जब पत्नी आती है जीवन में, तब ये रिश्ता सर्वोपरि हो जाता है। ये भगवान शंकर और माता पार्वती की कैटेगरी में ये रिश्ता चला जाता है। माँ वाले रिश्ते से इस रिश्ते की तुलना ना करें। माँ का जूठा खाते हैं ना, तब पाप नहीं लगता, तब कुछ नहीं नुकसान होता आपका। जहाँ पत्नी का छोड़ा जूठा खाने की बात है, तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं पत्नी का जूठा खाऊंगा क्या? ये खाने से व्यापार बिजनेस कम होने लगता, आयु कम हो जाती है, प्रेम कम हो जाता, न जाने कितनी फैली हुई है बातें। पत्नी आपके जीवन में जो मायने रखती है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कितने ग्रह को सूचित करती है। खैर वो बातें बाद में, यदि पति करे ये उपाय तो भी यह प्रक्रिया होगी, और पत्नी करे तो या वो रोटी आपको खानी, और बस एक बार करना है ये उपाय। ये रोटी आपने खाई, पति का छोड़ा ये शहद का नाम लिखा हुआ शुक्र और मंगल ना सुधर जाए आपका ये रिश्ता, ये प्यार फिर से ना प्रारंभ हो जाए, तो कहिए, अवश्य करिए, अद्भुत खूबसूरत सा वशीकरण। ईश्वर करे भगवान शंकर माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे आप सबकी, कोई बाधा कोई अड़चन ना आए प्रेम के बीच में, खुशी खुशी प्रेम से रहें जीवन भर आप यूं ही साथ। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।